आज सुबह हो गया। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? हो कि सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आज का नया सा डेली ब्लॉग में। अभी सुबह का 6:30 बज गया और मैं उठ गया। ठीक है, आज सुबह स्टार्ट करते हैं, जल्दी से पैकिंग वैकिंग करते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। बहुत सारा गाड़ियाँ ऐसे ही जा रहा है, ऐसा कुछ नज़र आया। अभी यहाँ पे मैं सीटिंग प्लेस में टेंट लगाया था। ठीक है, पैकिंग करने के बाद मिलता हूँ डायरेक्ट। तो कंप्लीट रेडी हो चुका है अभी। और ये जो मेरे सामने है एक्चुअली स्कूल नहीं है, ये मैं कल गलत बोल दिया था, ये हॉस्पिटल है एक्चुअली, यहाँ का फोकट। और जो जगह में मैं रहा था ये जगह का नाम फोकट, जो कल लास्ट लिफ्ट लिया था वही फोकट तक था, लेकिन मैं थोड़ा चल के आया, वहाँ तक लिफ्ट लिया था, उसके बाद थोड़ा चल के आया था। और लेट्स गो। और वहाँ पर मैंने फर्स्ट बात किया था। ठीक है अंकल, चलता हूँ मैं, बाय बाय। हाँ हाँ, और ये एक्चुअली अंकल का पेड है जो मुझे कल भोग रहा था। हेलो, ओहो, आप लोग कहाँ जा रहे हो? ऊपर ही जा रहे हैं, गंगोत्री। अच्छा, आप लोग कल भी देखा मैं वहाँ से ऋषिकेश से, पैदल ही जा रहे हो? अच्छा अच्छा, साइकिल से जा रहे थे? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही लिफ्ट ले लेके जा रहा हूँ। चलो फिर साथ ही चलते हैं। मैं तो उधर जा रहा हूँ, हिमाचल की तरफ जा रहा हूँ ऊपर से। ठीक है, तो चार धाम की यात्रा करके आएंगे। अच्छा, अभी कहाँ कहाँ जाके आए आप लोग? अभी तो स्टार्टिंग ही चल रही है। स्टार्टिंग मतलब गंगोत्री से स्टार्टिंग होगा? यमुनोत्री से। अच्छा अच्छा, ओके, बढ़िया है। मैं तो लिफ्ट ट्राई कर रहा हूँ वहाँ पे गाड़ी। ये क्या बनवाया? ऐसे ही बस लिखा है लिफ्ट प्लेस बोल के। कहाँ से हो आप लोग? हरियाणा से। अच्छा अच्छा अच्छा, स्मोकिंग करते हो? नहीं, हाँ वो थोड़ा आगे रुकता हूँ साइड में, गाड़ी साइड पर रुक जाए। ठीक है, भैया लोगों को भी कल देखा था मैंने, मतलब स्टार्टिंग से ऋषिकेश से ही पैदल आ रहा था वो लोग। अब वहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ। आगे जाओगे अब? मैं ऐसे ही जा रहा हूँ हिमाचल ऊपर से। ऊपर से? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, वहाँ तक छोड़ दो। हाँ हो गया, थैंक यू सो मच। आप ऐसे कैसे जा रहे हो? हाँ ऐसे ही लिफ्ट ले लेके जा रहा हूँ मैं। हाँ, मेरा ऐसा ही है जो वीडियो का कंसेप्ट है, ऐसे ही बनता है। सुबह का फर्स्ट लिफ्ट मिल गया गाइस चंबा टेक के लिए। 26 किलोमीटर है ना यहाँ से? 26 किलोमीटर यहाँ से ना? ओके। यह भी मिल गया चंबा, और ये है चंबा टनल। 440 मीटर लेंथ का है ये। मतलब चंबा टाउन में पहले बहुत ट्रैफिक होता था चार धाम यात्रा में, तो उसी के लिए ये टनल बने हैं बीआरओ ने, ताकि चंबा टाउन को क्रॉस करें मतलब बिना ट्रैफिक का। एक्चुअली यार ये 26 किलोमीटर लिफ्ट नहीं है सिर्फ चंबा तक के लिए, ये एक्चुअल में 100 से भी ज़्यादा किलोमीटर लिफ्ट है। फास्ट वे फास्ट भी, और बाइक में ही इतना लंबा सफ़र यार। अभी हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ओ मेरा है, हाँ हाँ, गिर गया था रास्ता में, सब उन लोगों को मिला। अरे यार रेनकोट चाहिए होगा उधर। तो अभी मैं बारकोट की तरफ निकल रहा हूँ, तो मुझे अभी लिफ्ट मिला है 1800 की तरफ, क्योंकि शारजी जा रहा है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी तो 1800 से अलग हो जाएगा, तो वहाँ तक मिला है। तो यार कितना अच्छा लोग है, मेरा रेनकोट पीछे कहीं पे गिर गया था, फिर कमर्शियल गाड़ी वालों को मिला, फिर शायद रोक के उन लोगों ने उठा के लेके आया और यहाँ पे दे दिया। और यार नाइस। यहाँ पे ऐसा नया नया हाईवे बना है और बीआरओ मैनेज कर रहा है इस रोड को,
अभी, इसलिए देखो कंप्लीट नहीं हुआ है अभी भी। तो रास्ते में पूरा धूल था यार। फाइव आवर्स कंप्लीट हो गया, 6 बजे से अभी यहाँ तक पहुँचा। ये कौन सा जगह है, कौन सा जगह है? रास बैंड। अच्छा ऐसा कुछ है, यहाँ से अभी अलग होगा भैया, जिसे उस तरफ जाएगा वो मेरा उस तरफ है। ठीक है यहाँ पे खाना खा लेता हूँ, अभी सुबह से कुछ भी नहीं खाया, काफ़ी धूल वाला रास्ता था, पूरा दस्ती दस्ती हो गया। ये कैमरा है सर, तो कल का जैसा सेम खाना खा रहा हूँ मैं और रेट भी सेम है, और इतना साथ में घुमा हम, इतना लंबा सफ़र, आपका नाम पूछा ही नहीं मैंने सर जी। क्या नाम है आपका वैसे? भूपेंद्र। ओके ओके, थैंक यू सो मच यार लिफ्ट के लिए, थैंक यू सो मच। ठीक है अभी खा लेता हूँ मैं, और कुछ नहीं मिलेगा अंकल? प्याज है, सब्जी प्याज वगैरह और दे दो। तो वापस से चल पड़ा मैं, और टाइम 12 बज गया, थोड़ा बहुत रेस्ट किया, चार्ज किया। तो अभी यहाँ से ऑलमोस्ट और 178 किलोमीटर है, यहाँ से बरकोट के बाद पुरोला है, मोरी है, रोहू है, रोहरू, उसके बाद अनु हिमाचल मिल जाएगा। चलते हैं शायद आज, ट्राई करते हैं जितना जा पाते हैं, जितना पहुँचते हैं। गाड़ी बहुत कम जा रही है इस रास्ते में, लेकिन भैया आगे लिफ्ट। ओके मिलता हूँ डायरेक्ट, मिलने पे ट्राई करके, मतलब लिफ्ट मिलने पे मिलता हूँ आप लोगों से। क्या बोल रहा हूँ यार। अच्छा इस रास्ते से मतलब यमुनोत्री भी जा सकता है शायद, मिल जाना चाहिए तो। और काफ़ी पत्थर भी गिर रखा है यार, शायद मेरा सिर पे मत गिर जाना यार, नहीं तो चोट लग जाएगा। केदारनाथ में भी पाँव भी गिरा था, लेकिन उतना बड़ा नहीं था, छोटा था, तो कुछ मतलब थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन चोट बोट नहीं आया। चोट बोट चलते फिर आगे, बहुत कम गाड़ी है लेकिन यमुनोत्री जाने वाला रास्ता में अभी नहीं। मैं उत्तराखंड में ही था ना, इसलिए तो बस गाइस 2 किलोमीटर के लिए लिफ्ट मिला है। मतलब यहाँ पे इस वाले रूट पे बहुत कम है गाड़ियाँ, शायद टॉप होगा, देखते हैं क्या हुआ, बहुत कम है अंकल जी गाड़ियाँ। हाँ नहीं है, सब यात्रा पे लगा हुआ, सब गाड़ी यात्रा में, हमारी तो ये नेट पे लगी हुई है। अच्छा काम चल रहा है यहाँ, खाना खाने जा रहा हूँ। आप भी खाना खाने जा रहे हैं? साहब तो छोड़ा यहाँ पे। ओके ओके, उसमें उतर गए जा रहे हैं। चलो सर्ज ने एक पेट्रोल पंप तक छोड़ दिया, 4 किलोमीटर, 2 बोला था लेकिन 4 हो गया। थोड़ा आगे जाके छाया भी नहीं है यार, यहाँ पे छाव भी नहीं है, फिर चेकिंग करने के लिए धूप में करना पड़ रहा है चेकिंग। सर कुछ पेट्रोल पंप है शायद, कोई ना कोई मिल जाए यहाँ से। हम बस सीधा जा रहे हैं, आप कहाँ तक जा रहे होगा वहाँ तक। थैंक यू, शुक्रिया भैया, धन्यवाद। मैं आसाम से। कहाँ पास है? मैं ऐसे घूम रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट, इसके बाद आपका उत्तराखंड भी, साउथ इंडिया, ऐसे ऑल इंडिया ट्राई कर रहा हूँ। अभी मैं हिमाचल जा रहा हूँ इस रास्ते से, ऐसे ही लिफ्ट ले लेंगे। आपको कितने किलोमीटर हो गए यहाँ से? अच्छा जी, मुझे नेपाली से मत बैठा था, नेपाली ऐसा लगा मैं। हाँ आप नेपाली हो? मैं तो नेपाली है। अच्छा नेपाल वाला ना, इंडिया वाला नेपाली? हाँ नेपाल वाला। हाँ नेपाल से? हाँ नेपाली से। अच्छा अच्छा ठीक है। तो भैया जी ने मुझे यहाँ तक लिफ्ट दे दिया, उसके बाद देखते हैं आगे।
थोड़ा चल के जाता हूँ मैं। ये कौन सा जगह है? ये कौन सा? ये बरनखाल जगह है। बरनखाल? हाँ। अच्छा अच्छा, बरनखाल जगह है। थोड़ा आगे चल के जाता हूँ मैं, वहीं पे ट्राई करते हैं। बारिश थोड़ा थोड़ा दे रहा था छोटा छोटा। अभी ये देखो मौसम ऐसा हो गया कि बारिश देने वाला है लगता है। अभी अभी जो भैया जी मुझे लिफ्ट दिया था ना, वो मुझे जासूस समझ रहा था यार, चाइना का। वो भी यहाँ भी है ऐसा लोग, कोई कोई पूछता है चाइना से वो क्या बोल के। मैं जब कैमरा बंद किया तभी वो पूछने लगा, नहीं तो मैं रिकॉर्ड कर पाता, लेकिन नहीं हो पाया। ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पूछने में, क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूज होता है, सब लोग कन्फ्यूज होता है। लेकिन एक बार बोलने के बाद भी बार बार पूछने से थोड़ा गुस्सा आ जाता है। मतलब वो भाई साहब मुझे बार बार पूछ रहा था, एक बार आसाम से वो बोलने के बावजूद भी, और हिंदी बोल रहा हूँ उतना दोस्त में किया यार, सबको क्या पासपोर्ट दिखा के, सबको पासपोर्ट दिखाता रहो क्या इधर उधर। अरे एक बार में समझ लेना चाहिए, बार बार बोलने से थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगते। हेलो बोल दो सर। हेलो बोल दो। हेलो। उत्तराखंड का दोस्त लोग मिला है। आपका नाम क्या है? विकास। विकास नाम है आपका? माय नेम इज शिवानी विद्वान। शिवानी, वाओ। और आपका? सक्षम। सक्षम, ओके। डॉक्टर सुराज नेता। वाओ। डॉक्टर सुराज। ओके ठीक है, अभी टाइम बच गए 3 बजे और मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। ओके बाय। मैं वेट कर रहा हूँ यार गाड़ी के लिए, लेकिन नहीं आ रहे कोई भी, और बारिश भी आ रखा था, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्ट किया था। थोड़ा बहुत छत है ना यहाँ पे, देखता हूँ अभी आज मूव कर पाता हूँ कि नहीं यहाँ पे। अगर मूव नहीं कर पाता हूँ तो यहाँ पे कहीं पे टेंट ला के रह जाऊँगा। ठीक है, ओके। आपका नाम क्या है? विकास कुमार। आपका नाम? मेरा नाम शिवानी विद्वान। आप आपकी क्लास, आप कितने, कौन सी क्लास में हो? सेवन्थ। आपका स्कूल नेम? ज्ञानदीप चिल्ड्रन एकेडमी। आपका मदर्स नेम? मदर्स नेम फादर्स नेम? श्री गंगालाल। आपने आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैम है। लाओ। आप कौन सी क्लास में हो? मेरा क्लास नहीं है। क्या ये? बाय बाय बाय। अभी लास्ट लिफ्ट मिला है शायद, उसके बाद तो रात हो जाएगा। अभी 40 किलोमीटर बारकोट तक मिला है, बहुत दूर है वो भी। ठीक है चलते हो, थैंक यू नंदन, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कुछ नजर था यहाँ पे, बहुत ही सुंदर नजर है। मुझे तो देख देख के थोड़ा बहुत आदत हो गया, लेकिन नया बनने के लिए काफ़ी खूबसूरत है ऐसा कुछ नजर है। रास्ते का हालत भी देखो ऐसा कुछ है। अभी ये सब तो लैंडस्लाइड हुआ होगा ऊपर से, वहाँ रोड का काम चल रहा ना ये। अच्छा, रोड चौड़ी हो रही है। हाँ, क्योंकि चार धाम यात्रा जाता है ना, इसलिए रोड चौड़ी की ना इन्होंने, पहले छोटी थी रोड, जाम लगता था। हाँ, रोड चौड़ी की है, अब धीरे धीरे आगे आगे पड़ता जा रहा है। चार धाम यात्रा के लिए हो रहे हैं सब कुछ। बहुत ज़्यादा नींद लग रही है मुझे यहाँ पे, इसलिए मुँह धोने के लिए रुका है। तो अभी थोड़ा सा ठीक है नींद, और यहाँ पे ना इस साइड में वाइब बहुत थोड़ा सा अलग है, बहुत ही बढ़िया है यहाँ का वाइब, लैंडस्केप वगैरह और पेड़ काफ़ी अच्छा नज़र है यहाँ पे। रास्ता भी छोटा छोटा है, बहुत अच्छा लगा इस टाइप में मुझे। तो चलो बारकोट पहुँच गया, भैया जी मुझे यहाँ तक बारकोट तक उधर दिया, लिफ्ट दे दिया। और ये तो बहुत बड़ा सिटी जैसा है यार, यहाँ से थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, मतलब यमुना ट्री गंगोत्री यहाँ से पास में पड़ता है, इसलिए काफ़ी सारा होटल्स टूरिस्ट लॉज वगैरह बहुत सारा है यहाँ पे बारकोट पे। उधर पीछे भी रह गया, आगे भी है, इसलिए मुझे यह क्रॉस ही करना पड़ेगा।
नहीं तो यहाँ पे तो कुछ जगह ऐसा नहीं मिल रहा है। मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। हेलो ठीक है, अभी 5 बज गया है और यहाँ पे मैं भोजन कर लेता हूँ। अभी पहले एक बार ही खाना, मैं अभी 2 बार हो जाएगा, दिन में 2 बार करना जरूरी है। ऐसा कुछ यहाँ पे अंडा भात खा रहा हूँ मैं। टोटल 100 रुपीस 4 अंडा दे दो भैया। आप भी खाएगा अंडा? हेलो, क्यों चाहते हो एक अंडा जी? नाम क्या है उसका? हेलो, पर्टिचा। अच्छा, नेपाल से हो आप लोग भी? ओके, भैया भी नेपाल से हो? अच्छा, बहुत सारा लोग आते हैं ना नेपाल से यार, ऐसा काम करने का। मैं आसाम का। आसाम को? हाँ, आसाम का नाम सुना आपने? नाम सुना आसाम का? मानसे नहीं। आसाम को मानसे नहीं जानता। यहाँ भी सही प्राइस है खाने का, सबसे महंगा केदारनाथ के टाइम पे था, वहाँ जाते समय यहाँ भी 60 में मिल रहा है बेच। बढ़िया है। ये क्या है? घी। अच्छा, घी भी दे दिया। चलो, एक काम तो हो गया, खाना खा लिया मैंने, अभी चलते हैं आगे। और यहाँ पे भी काफ़ी सारे टूरिस्ट रेस्ट करते हैं, मतलब चाटा में आता तो उधर पीछे की तरफ है, ऊपर की तरफ, फिर भी इस साइड से आता होगा। यहाँ पे काफ़ी बड़ा टाउन है ये भी। हाँ, हाँ देखो, इससे अच्छे भी काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं यात्रा के लिए। और यार, यहाँ पे भी बरकत भी आपने पहचान मिल गया, सस्ते और भैया लोग। तो से बात किया था मैं, और सब वीडियो में नहीं लेने का ज़्यादा। तो टाइम अभी बच गया है 6:30, और लास्ट लिप लिया था मैंने एक भैया जी से, जो कि लकीली मुझे मिल गया वो, और यहाँ पे मुझे जगह दिखा दिया, यहीं पे टेंट लगा के आराम से रह सकेगा। और चार्जिंग वगैरह भी सब कुछ जुगाड़ है यहाँ पे। अभी फ़िलहाल मैं चाय पी रहा हूँ, चार्जिंग चाहिए अभी, इसलिए यहाँ पे रह जाऊँगा अभी, और आगे नहीं जाऊँगा। नहीं तो शायद 10 किलोमीटर और आगे जा सकता था। ऐसा कुछ दुकान है भैया जी का चाय का, यहीं पर मैं चार्जिंग वगैरह भी सब कुछ करूँगा, और वहाँ पर कुछ टेंट लगा लूँगा, सब कुछ सुविधा है यहाँ पर। ठीक है, चाय पी लेता हूँ अभी। आजकल यार 7 बजे भी रात नहीं होता है, अभी टाइम 7 बज गया, और मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे नज़ारे ले रहा हूँ यमुना रिवर का। ऐसे कुछ बेके जा रहा है, उधर से भी एक रास्ता था जो कि मैं उस साइड में जा सकता था, लेकिन मैंने ये वाला हाईवे वाला चुना है यार। ठीक है, और भी बहुत कुछ जानना है, मुझे भी सीखना है, इसलिए तो ट्रैवलिंग पे निकला पड़ा हूँ। देखते कितना हो पाते ज़िंदगी में। अभी कल तो पहुंचना चाहिए हिमाचल, क्योंकि अभी बहुत ही कम डिस्टेंस है, ऑलमोस्ट 170 या 160 किलोमीटर होगा शायद। कल एक दिन में पूरा पहुंच जाएगा। उसके बाद मैं जाऊंगा रेकोंग पियंग की तरफ, उधर से पूरा ऐसा घूम के, काजा वगैरह ऐसा घूम के, मैंने ये सोच के रखा है, पता नहीं क्या होगा, तो मनाली, उसके बाद शायद लेह लद्दाख देखता हूँ। तो कोई अगर होस्ट है रेकोंग पियोंग, मनाली और उस साइड में लेह लद्दाख में, तो कमेंट्स करना यार, चाहिए, मतलब मुझे भी विलेज टाइप घूमना है अभी, इसलिए। ठीक है, आज का वीडियो में यही तक रखता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर यार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, कल मिलते हैं नया सब लोग में। ओके okay?